इतना ठीक है सर, इतना इतना लिखिएगा तो। हाँ ठीक है, ये एरिया सही है, सब लोगों ने पिन कर लिया है स्क्रीन को, लाइक जो डायनासोर का स्क्रीन है यस सर, ओके, सब लोगों ने कर लिया है ना। हाँ तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक मिनट है सर, वो दूसरे फोन का मैं स्क्रीन टाइम बढ़ा देती हूँ। एंड मुझे लगता है ना एक बार इसको करते हुए देख लो, देखने से आप समझ में आएगा, कुछ लोग करते रहे मतलब साथ साथ में करोगे ना तो कुछ चीजें मिस कर दोगे मुझे लगता है, तो इसलिए पहले एक बार देख लो समझ लो उसके बाद फिर आप ट्राई करना, नहीं तो आपके पास हो गई तो आप फिर चाहो तो बाद में देख देख के करते रहे, ठीक है। सबसे पहले हम जो पेंसिल को शार्प करते हैं तो वो शार्पनर से नहीं करते, एकेडमिक मेथड में। तो हमें ऐसा इतना लंबा और नुकीला शार्प करना है पेंसिल को, सब पेंसिल को, 10B, HB और 6B है मेरे हाथ में, करने के लिए या कुछ गलत हो रहा है तो इससे हम रब करके निकाल सकते हैं। अगर अच्छा एक सेकेंड, बस मुझे ही प्रेप हो रही है या फिर सब कुछ हो रही है? नहीं ये सर, सब हम देख रही तो है। सर आ रही है, बस आ रही है अच्छा उनके तो मे पास। भी मेरा निकल ओके। हाँ सर अगर ये इसका कीलापन कम होना तो आपके स्ट्रोक्स दिखेंगे ही नहीं, मतलब मैसी हो जाएगा सब, और वो चमकता है ना ग्रेफाइट, तो वो चमकने लगेगा अगर ये नुकीला ना हो, और स्ट्रोक्स अलग अलग नहीं दिखेंगे, सब मिक्स हो जाएंगे। तो सिक्स बी ले रही हूं मैं, और पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, रफ सर्कल, और जो सिर्फ मतलब एकदम लाइट हाथ से, और पेंसिल को इतना दूर पकड़ना है और हल्का पकड़ना है ताकि हमें लाइन हल्की मिले। हम जितना पास पकड़ेंगे ना तो उतना छोटा छोटा लाइन हम निकालते हैं। अगर हम लाइन पेंसिल को दूर रखते हैं तो मतलब हमारा हैंड इजीली मूव होता है, और स्ट्रोक्स के मूवमेंट अगर हम दूर पकड़ेंगे तो हमें लंबा लंबा स्ट्रोक्स मिलेगा, ऐसा ऐसा। और अगर पास में पकड़ेंगे जैसे हम नॉर्मली पकड़ते हैं तो छोटा छोटा स्ट्रोक मिलेगा, इतना छोटा छोटा मिलेगा। अगर इधर पकड़ते हैं, और ऐसा पकड़ना है पेंसिल दो फिंगर में, और ये सपोर्ट, आपको कुछ मतलब लगे तो आप पूछ लेना, मतलब एम आई ऑडिबल? हाँ आ रही है। पहले एकदम लाइट सर्कल निकाल लेना है, अभी मैं टमाटर निकाल रही हूँ, बहुत लाइट, बहुत हल्के हाथ से, और पेंसिल इधर पकड़नी है ऐसे, और पेपर भी दूर रखना है, एक हाथ दूर रखना है हमारे ऐसे। जब जब हम ज्यादा ज्यादा डिटेल करेंगे तब तक हम पास पास चले जाएंगे पेपर के, हम अभी डिटेल नहीं कर रहे तो पेपर दूर ही रखना है। ओके मतलब हल्का इतना ही रखना है जितना सिर्फ आपको दिखे और किसी को ना दिखे। हाँ मतलब अभी आपकी दिखने के लिए मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, पर अगर मैं सिर्फ मैं करती हूँ तो सिर्फ मेरे पास वाले को भी लाइन नहीं दिखता, इतना लाइट रखना है। पहले हम ड्राइंग निकाल लेंगे, फिर उसके बाद शेड एंड लाइट हम अलग अलग कर देंगे।
ये हमने शेप निकाल लिया टमाटर का। अब हम अगर हम आंख थोड़ा सा बारीक करेंगे ना तो थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, पर शेड एंड लाइट ऑब्जेक्ट का अलग अलग हो जाता है। तो आंख बारीक करना है और लाइट और शेडो अलग अलग कर देना है, और जितना शेडो का पार्ट है उसको हमें आउटलाइन करनी है। तो बेसिकली ये डायनासोर तुम देख के कर रही हो तो ये टमाटर को या फिर इमेजिनेशन में फोन में साइड में। तो ओके, तो क्या मतलब क्या वो टमाटर का जो व्यू है? अच्छा ये है ना, एक सेकंड मुझे फोन में दिखाना सब लोगों को। ओके, ये ज्यादा डार्क दिख रहा है स्क्रीन पर, इतना डार्क है नहीं फोटो। जो मतलब टमाटर वगैरह रहते हैं उसका शेप का इतना है नहीं, गोल ही रहता है। अगर शेप इतना इधर उधर हो जाए तो कुछ नहीं, सब टमाटर एक जैसे तो नहीं होते। हमें सिर्फ राउंड और उसके शेड्स पर ध्यान देना है। उसका कैरेक्टर जो है, उसका कैरेक्टर इतना कुछ है नहीं, बस सिर्फ इतना निकाला तो वो टमाटर दिखने लगता है। अभी 6B पेंसिल है और दूर ही पकड़ रही हूँ, और स्ट्रोक्स के लिए मूवमेंट शोल्डर से चाहिए। पूरा भर के लेना है। अभी एक मिनट, हाईलाइट निकालना है। फर्स्ट टोन हमें अभी एकदम हल्के हाथ से लेना है। और अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर दो दो हाईलाइट है एक ही इंटेंसिटी का, तो दूसरा वाला हाईलाइट कम कर देना है। दो दो हाईलाइट नहीं निकालने, जैसे कि इस पर दो दो है तो हम एक एक ही निकालेंगे। अगर हम दोनों हाईलाइट निकालेंगे तो ज्यादा हाईलाइट अच्छे नहीं दिखते, तो उसमें से हम एक ही हाईलाइट निकालेंगे, दूसरे को कम कर देंगे। पूरा भर के लेना है ये पूरा स्पेस। लाइन बाहर जाए तो भी कुछ दिक्कत नहीं, पर स्ट्रोक्स बड़े बड़े रखने हैं, छोटे छोटे नहीं चाहिए। और ये हम जब करते हैं तो एक साइड उसका सॉफ्ट हो जाता है, तो वो सॉफ्ट हो गया ना तो वो 30-30 सेकेंड्स को वो चेंज करना है, ताकि हमें वो नुकीलापन मिले और स्ट्रोक्स अच्छे से दिखे, एक एक हर एक स्ट्रोक दिखे। चेंज करना मतलब रोटेट करते रहेंगे पेंसिल को? रोटेट करना है, हाँ रोटेट करना है। अभी मैं और एक बार भर के ले रही हूँ सब। ताकि हमें मिडिल टोन मिले हाईलाइट छोड़कर, टोमेटो का मिडिल टोन। ओके, सो पहले हमने लाइट टोन लिया, अब मिडिल टोन के लिए हमने सेकंड टाइम स्ट्रोक लिया। स्ट्रोक के टाइम में पेंसिल लाइटली पकड़ना है क्या? हाँ, तुम इतना दूर पकड़ोगे पेंसिल तो वैसे ही तुम्हारा स्ट्रोक लाइट हो जाएगा। इतना दूर पेंसिल पकड़ कर तुम्हारा स्ट्रोक डार्क हो नहीं सकता, मतलब तुम करोगे तो होगा, पर ऐसा पेंसिल पकड़ना है इतना दूर। ठीक है। और एक हाथ का डिस्टेंस रखना है तुम्हारे और पेपर के बीच में, ताकि तुम्हें पूरा पेपर दिखे और मतलब
हम जितना पास जाते हैं ना पेपर के, हमारा एक ही जगह पर ध्यान रहता है। अगर मैं और पास गई ना, तो मेरा ध्यान सिर्फ इधर जाएगा, इधर का मुझे कुछ दिखेगा नहीं, तो दूर रहना है पेपर से। हैंड का फ्लो ना पूरा खुला हुआ रहेगा, अभी तुम जितना दूर रहोगे तुम्हारा हाथ का स्ट्रोक उतना लंबा जाएगा। शोल्डर से लेना है मूवमेंट स्ट्रोक के लिए, तो वो फ्रीली आएगा और स्ट्रोक्स अच्छे दिखेंगे। जैसे नॉर्मली पकड़ा जाता है वैसे नहीं पकड़ सकते क्या पेंसिल? तुम जब नॉर्मल पकड़ते हो ना, तो तुम ऐसे पकड़ते हो, तो तुम स्ट्रोक्स ऐसे दोगे। इधर किधर दिखाऊं मैं अभी, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आएंगे तुम्हारे स्ट्रोक्स, पॉइंट आता है आगे, तो वो अच्छा नहीं दिखता और बहुत हार्ड आते हैं वो, कहीं दिखे पर डार्क हो जाएगा, कहीं पर लाइट हो और जाएगा, ये डार्क भी भी तो हो ऐसा नहीं जाता है। होगा। ये देखो कितना लाइट हो गया है, मतलब पूरा ग्रे ओके स्केल निकाल सकते हैं हम इतना दूर पकड़ेंगे। तो तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड जाएगा, पर तुम्हें आदत लग जाएगी ना, तो हो जाएगा, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके और हर एक स्ट्रोक के लिए हाथ उठाना है, ऐसे 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 नहीं करना है, हर एक स्ट्रोक के लिए हाथ उठाना है। अभी जहां जहां पर हमें गैप दिख रहा है, दो लाइन दिख रही है, बीच में कुछ भरा नहीं है, तो भर लेना है, मतलब हमें प्लेन टोन मिल जाएगा एक। ये हमें मिडल लाइट मिल गया, तो हम अभी डार्क ड्रॉ करेंगे फिर से। ये भी बहुत हल्के हाथ से, मतलब हमें दिखना चाहिए सिर्फ। जहाँ पे डार्क टोन लेगा लेंगे वो उसका पहले आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं कि डार्क टोन हमें सिर्फ वहीं अभी पे यहाँ पे कौन सा है। हाईलाइट है, तो इधर लाइट उससे थोड़ा सा ज्यादा लाइट है, तो इधर हमारा सब शैडो वाला पार्ट है, आपको इसमें दिखेगा, ये हाईलाइट है और ये सब लाइट पोर्शन है, और ये हमारा शैडो वाला पार्ट है। आप बारीक करके देखोगे तो वो दोनों पार्ट इजीली सेपरेट हो जाते हैं। आप शीशे में अगर खुद को देखोगे आंख बारीक करके, तो आपके चेहरे पर भी शेड एंड लाइट अलग अलग हो जाते इजीली। अभी हम डार्क पार्ट ले रहे और स्ट्रोक्स एक ही एंगल में रखने। अभी थोड़ा थोड़ा राउंडिटी आना शुरू हो जाएगा। जब स्ट्रोक में पॉइंट आने लगता है ना, तो पेंसिल टर्न कर लेना, वो पॉइंट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमारा शैडो वाला पार्ट आएगा। ये हिल रहा है क्या? हाँ हल्का नहीं, हिल रहा था, हिल रहा था, अब ठीक है। मतलब ये पेंसिल दूर पकड़ना वगैरह मैं अपना नहीं बता रही, ये ग्रेट आर्टिस्ट का मेथड है, मतलब सब ग्रेट आर्टिस्ट इसे ही फॉलो करते हैं, तो वो पढ़ के मैं बता रही तुम्हें। ऐसे स्कूल्स में भी एकेडमिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आप जब कितना भी टाइम लगा देखोगे था किसी, प्रैक्टिस में? क्या टाइम कितना लगा था प्रैक्टिस में ये पकड़ के, मतलब प्रैक्टिस करने में? अबे आप, आपके ग्रास्पिंग पावर पे डिपेंड करता है ये, मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन में आपको आ जाएगा,
पर आप छोड़ो मत कि हाँ मुझे ऐसे नहीं आ रहा वगैरह वगैरह करके, आप छोड़ो मत, आप करते रहो, आ जाएगा, आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा इससे। दिख रहे हैं आप, मेरे लाइंस दिख रही रहेंगे एकदम, स्मज नहीं किया है मैंने, स्ट्रोक्स दिख रहे हैं सब अलग अलग। अभी हम और डार्क करेंगे ताकि शैडो को, और शैडो और जो सेकेंड हाईलाइट है वो अलग हो जाए। इधर एक हाईलाइट रहता है और जो नीचे का सरफेस रिफ्लेक्ट होता है ऑब्जेक्ट पर, तो इधर भी हाईलाइट पड़ता है, पर वो इसके जितना नहीं, इससे थोड़ा सा कम चाहिए। ये थोड़ा सा क्ले इरेजर से मैं हाईलाइट निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा राउंड भी अभी दिखने लग जाए। इसको ऐसे नुकीला बनाना है। और शैडो कभी भी कट टू कट नहीं रखनी है, जो पार्ट अंधेरे में रहता है ना वो मर्ज हुआ रहता है, वो कभी भी कट टू कट नहीं रहता राउंड ऑब्जेक्ट में, तो उसको मर्ज करना है। अभी ये जो निकाला है वो हम आगे आगे मर्ज करेंगे थोड़ा थोड़ा एंड में, जब हम फिनिशिंग देंगे। सबसे पहले अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना तो अंडा करो, राउंडिटी का आपको समझ जाएगा क्या क्या करना चाहिए ऑब्जेक्ट में राउंडिटी लाने के लिए। ओके, सो वेजिटेरियन भी अंडा कर सकते हैं, राइट? खाना नहीं है, बस ड्रॉ करना है। खाना नहीं है, सिर्फ ड्रॉ करना। अभी मैं ये रख दे रही हूँ, 10 भी लूंगी अभी मैं और डार्क करने के लिए, 8 okay, भी ले सकता। शुरुआत से हमने 6 भी लिया है ना, अभी तक हमने पेंसिल चेंज नहीं किया, 6 भी से ही। हाँ, हमें जल्दी करना है इसलिए मैंने डायरेक्ट 6 भी लिया। अगर पोर्ट्रेट करते तो स्टार्टिंग में ड्राइंग डाल के एच बी से पूरा पूरा पार्ट, हाईलाइट भी नहीं छोड़ना है, पूरा पार्ट कवर करना है एच बी से प्लेन टोन। और ऐसे 2B लिया तो डायरेक्ट 10B नहीं लेना है, 2B 4B 6B 8B 10B ऐसे ऐसे करना है, डायरेक्ट नहीं जाना है उस पे, करते करते जाना है, नहीं तो वो शाइन होता है। इवन फेस पे बहुत सारे कट एंड जो डेप्थ होते हैं उन सब के लिए मतलब ग्रेडियंट जो है इफेक्ट वो बहुत ज्यादा चाहिए, राइट? मतलब सर बहुत सारे टोन होते हैं ना, मतलब डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। हाँ हाँ, अभी लाइट कम रहता है इस टमाटर पे तो ये पूरा वाइट भी नहीं निकालती मैं, उसको भी थोड़ा सा मर्ज कर देती। अगर वो आप पूरा का पूरा वाइट दिख रहा है तो डायरेक्ट निकाले, नहीं तो थोड़ा सा एक एच बी का थोड़ा सा स्मजिंग रहने दे। और हाथ नहीं लगाना है इस पर, बिल्कुल भी हाथ नहीं, किधर भी हाथ नहीं लगाना है, तो वो है ना ये सब ऐसे मिट जाते, सब ऐसे हो जाता है और फिर वो अलग अलग नहीं दिखते। जो अलग अलग में ब्यूटी है ना वो ऐसे ब्लेंडिंग में नहीं। अभी इसको भी देखो, इतना इतना नुकीला किया है मैंने। और फिर ये हम अलग कर लेंगे तो हम डिटेल का पार्ट करेंगे, मतलब इधर का जो उसका रहता है और इधर का जो टोन है वो हम एच बी से और सब स्मजिंग वगैरह एंड में अभी करेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट और ग्राउंड को अलग करते हैं, राइट? हाँ, हम सिर्फ शेड एंड लाइट जो 5 पार्ट में हमें निकालना है, हाईलाइट, सेकेंड लाइट, शेडो वाला पार्ट, रिफ्लेक्टेड लाइट और ये नीचे वाला शेडो, इतना बस हम अभी कर रहे हैं। आप चाहे तो लिख लो,
अभी 10 भी लूंगी तो हमें इंस्टेंट ज्यादा अगर डार्क चाहिए तो थोड़ा सा, हमारा स्ट्रोक ऐसा है ना तो थोड़ा सा एक अंश से 1 डिग्री से थोड़ा सा क्रॉस करना है, तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा डार्क मिलेगा, नहीं तो वो शाइन होगा थोड़ा थोड़ा क्रॉस करना उस डायमेंशन सा, में। 1 डिग्री से सिर्फ। आपको दिख रहा रहेगा मैंने सिर्फ इतना पार्ट किया है तो कितना डार्क हो गया है, स्ट्रोक हाँ चेंज किया तो। और मुझे डर भी लग रहा है तो मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा सा कांप रहा है, मैंने कभी किसी को कोई नहीं, दिखाया नहीं। कोई नहीं। ड्राइंग के स्टार्ट में अगर आप टोमेटो के लिए या किसी भी गोल ऑब्जेक्ट के लिए सर्कल से स्टार्ट करोगे ना तो आपको ड्राइंग 5 मिनट में मिल जाएगा। आप उसके डिट्टो शेप के पीछे मत पड़ो क्योंकि सब टमाटर सेम नहीं होते, तो आप पहले सर्कल निकाल लो। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत कट टू कट डार्क हुआ है तो उसकी उसकी वजह से वो अच्छा नहीं दिख रहा, तो हम लास्ट में उसे एक एचबी का टोन दे के इसके ऊपर स्मज कर लेंगे, हाथ नहीं घुमाना है। ये और ये लाइट, ये जो सेकेंड लाइट है हमारा और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये कभी भी सेम नहीं है, सेम नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा 10-20% से ये ज्यादा डार्क होना चाहिए जो आपको दिख रहा है ना। ये अभी हम उस हाँ पर एक और एक टोन करेंगे, हल्का सा देंगे या थोड़ा सा 10-20% डाउन करने के। और जहां पे हमें थोड़ा लाइट करना है या उधर हमने व्हाइट नहीं छोड़ा और डार्क हो गया, तो अभी इस टमाटर में यहाँ पे थोड़ा सा येलो है तो हम ये निकाल लेंगे पेंसिल का। ये आप कैमलिन का या किसी वो ग्रे कलर का क्ले आता है वो ले लो, ये फाइबर कैसल का इतना अच्छा नहीं है, ये पूरा व्हाइट निकाल लेता है, वो जो है वो टोन टू टोन निकालते, मतलब लाइट लाइट करते करते निकालते, ये डायरेक्ट व्हाइट निकलता है इससे, ब्रूस्टो का ऑनलाइन अवेलेबल है, मैंने ये देखा। तो अच्छा है। यहाँ पर अवेलेबल नहीं था तो मेरे पास अभी यही है। अभी हम HB पेंसिल लेंगे और उससे थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। ये देखो और पेंसिल आप मतलब हो सके तो यही ले लो, 8 लाइन का, अप्सरा का थोड़ा सा हार्ड है थोड़ा सा सॉफ्ट है। 8 लाइन का नो डाउट बहुत बेस्ट है, मतलब इवन मैंने टॉम्बो से भी कंपैरिजन किया। टॉम्बो का महंगा आता है और लेकिन टॉम्बो से ये बेटर है, स्टेडलर की क्वालिटी लगभग दे देती है। हाँ बहुत सॉफ्ट है, अप्सरा का हार्ड है, मतलब नीचे पेपर पर निशान छोड़ देता है पेंसिल वो। वैसे अभी तो ये अप्सरा येलो मतलब रहता बच्चों है, के लिए ही है, अप्सरा का मतलब प्रोफेशनल के लिए है ही नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगा रेकमेंड में कभी करता ही नहीं अप्सरा का। वो ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए, बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन वो प्रोफेशनल के लिए नहीं। ये पार्ट हम ज्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि वो येलो है, येलो का इंटेंसिटी उतना नहीं डार्क में आता, मतलब आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखोगे तो रेड थोड़ा सा ज्यादा ग्रे दिखेगा आपको, तो
अभी मेरे हाथ में एच भी है। अभी मैं छोटे पार्ट पर, मुझे छोटा स्ट्रोक करना है तो मैं पकड़ रही हूं पास में। आप डिटेलिंग के लिए पकड़ सकते हैं, पर स्ट्रोक्स के लिए आप पास मत पकड़ो, आपके स्ट्रोक में पॉइंट आएगा उससे। ये भी हाईलाइट थोड़ा सा हार्ड निकला है तो उसे हम थोड़ा सा पेन एच बी से स्मच कर लेंगे। अभी कैमरा की वजह से मुझे आगे नहीं जाते आ रहा। यहाँ पे आप थोड़ा सा कर्वी स्ट्रोक लोगे तो भी चलेगा, ज्यादा राउंडेड दिखेगा अगर यहाँ पे आपका स्ट्रोक ऐसा 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 थोड़ा सा नीचे हुआ तो। और आपका आपको अगर अंदाजा नहीं आ रहा कैसे दिख रहा क्या हो रहा, तो थोड़ा सा दूर जाके देखो या ड्राइंग दूर रख के देखो, या ड्राइंग बरोबर हुआ है या वो देखने के लिए उल्टा रख के देखो। आप जो ड्राइंग उल्टा रख के देखते हो ना तो आपको समझता है कि किधर किधर गलती हुआ है ड्राइंग में। ये हमारा सबसे डार्केस्ट पार्ट है ये, और ये तो हम मैं शुरू करते वक्त इधर से शुरू कर रही हूँ कि ताकि हर टोन उस पर आ जाए और वो डार्क हो जाए और शाइन ना हो। और जिधर जिधर भी हमें बाद में व्हाइट व्हाइट दिखता है, मतलब लाइंस दिखती है, तो एचबी पेंसिल से उसके बीच में थोड़ा सा लाइट लाइटली उसके बीच में लाइंस निकाल लो तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। ओके ज्ञानेश्वरी, एक सेकेंड रुकना, अभी ये कनेक्ट हो जाएगा तो मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम बताते रहोगे और वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर हमारे लिए अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो ठीक है सर, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, फिर से कनेक्ट कर लूँ। ठीक है सब लोग, है मतलब डार्क है, जो जितना आपको ये लाइट दिख रहा है उतना है नहीं। ओके नहीं वो ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये परफेक्टली मतलब दिख रहा है। कैसे उल्टा करके मिस्टेक देख सकते हैं? अगर ये आपका ड्राइंग है, मतलब आप पोर्ट्रेट वगैरह कुछ अगर आपने निकाला तो उसको ऐसे उल्टा रखना है तो समझता है किधर किधर गलती हुआ है या किधर किधर क्या करने का जरूरत है। आपको दिख रहा है अभी? अभी आपको मतलब ज्यादा ध्यान में आ रहा है किधर किधर गलती है, इधर शेडो रह गया है या इधर और कुछ डार्क की जरूरत है? मैं आपको दिखा दूंगी। अभी ये मेरा पोर्ट्रेट है तो अगर मैं ये उल्टा रखूं तो मुझे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि गलती कहाँ हुआ है। अभी ये हो गया है, इसमें कुछ गलती है नहीं, पर आप ऐसा उल्टा करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके अभी मैं शैडो निकाल रही हूँ। शैडो यहाँ पे इस मतलब इस पार्ट में सबसे ज्यादा डार्क है।
और शेडो कभी भी कट टू कट नहीं निकालना है, उसको भी स्मच करना है। उसको आप अगर ऐसा ऐसा करके छोड़ दोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, उसको स्मच करना है। अभी मैं 6B से इसको और डार्क करूंगी। अभी मैंने HB यूज किया है, अभी मैं 6B ले रही हूँ। अगर मैंने अचानक से 10B किया तो वो शाइन करेगा ग्रेफाइट। ये दबा के और बंद दबा दो। किसी ने कुछ मैसेज किया क्या? कुछ लोग कुछ पूछ रहे मैसेज हैं आया? ब्लेंडर से मर्ज कर सकते हैं या फिर पेंसिल सेटिंग से ही इसको मर्ज करेंगे। ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, पर वो अलग टेक्निक है पूरा। ब्लेंडर हम चारकोल के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब कॉलेज में। ओके, और बेसिकली मतलब ये अगर तुम ब्लेंडर यूज कर रहे हो तो मतलब A to Z तुम ब्लेंडर टेक्निक फिर यूज करो मतलब, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हाँ, स्ट्रोक टेक्निक यूज हो रही है, तो पेंसिल के स्ट्रोक आपको से ही एक अब सारा ब्लेंडर कुछ आप अगर करेंगे। यूज करोगे तो सब स्ट्रोक मर्ज हो जाएंगे, तो वो अलग अलग दिखेंगे नहीं, तो वो ब्यूटी थोड़ी सी खराब हो जाएगी, क्योंकि इस पार्ट में दिख रहे हैं और फिर इस पार्ट में स्ट्रोक्स गायब है, तो वो थोड़ा सा अलग दिखता है। एक क्वेश्चन जीनत ने पूछा, शैडो पार्ट तो आधा ही रहेगा ना, ये मैं समझा नहीं मैं क्वेश्चन। वो लाइट पर डिपेंड है, लाइट कहाँ से आएगा तो वैसा शैडो शैडो पड़ेगा। ओके अब बहुत पेशेंस से स्ट्रोक का डायरेक्शन संभाल के रखो। अगर इसमें एक भी स्ट्रोक मेरा ऐसा हो गया ना, तो सब ध्यान उस एक स्ट्रोक के पास जाता है। और पॉइंट भी, पेंसिल का पॉइंट बदलते रहना, भूलना नहीं है, सॉफ्ट हो जाएगा सब। अब आपको थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर दिखने लग जाएगा, मतलब ये टमाटर है करके। अभी मैं डिटेल्स कर रही हूँ तो मैं पास में पकड़ रही हूँ। अभी हमारे 5 पार्ट तो अलग हो गया, हमें डिटेलिंग करना है, जो यहाँ पे जो कर्व रहता है टमाटर का, और यहाँ पे जो लाइन है, थोड़ा सा पीछे का पार्ट है, अभी हमें उसका डिटेलिंग डिटेल। HB से कर रहे हैं। हाँ, ओके। आप एक बार देख लो फिर से। ये डार्क दिख रहा है आपको फोटो में? इतना डार्क है नहीं, मतलब मुझे नहीं दिख रहा, आपको इस कैमरा में ज्यादा डार्क दिख रहा है, वो फोटो है तो फोन फोन पर स्क्रीन पर। अगर मैं यहाँ पे एक डार्क टोन डाल दूँ तो इसको और राउंडिटी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका कर्व है, और वो भी कट टू कट नहीं डालना है। मतलब डेप्थ क्रिएट करने के लिए जो सेगमेंट टोमेटो में होता है लाइक अराउंड कर्व में, उसको भी हम उसी डायरेक्शन स्ट्रोक से क्रिएट करेंगे जो लाइक हमने शुरू से मेंटेन किया है।
ऐसा नहीं कि एक लाइन ही खींच दिया वहां पर जिस तरीके से वो लाइन फॉलो कर रहा है, राइट टेनिसरी वही कर रहे हो ना तुम, मतलब उसी डायरेक्शन छोड़ना नहीं है, स्ट्रोक छोड़ना नहीं, अगर सब एक डायरेक्शन में, अगर कोई भी एक स्ट्रोक ऐसा गया ना तो सब ध्यान उस पर जाएगा। अगर उधर ही ये चला पूरा जाएगा। होता मैं दिखा दूंगी, एक स्ट्रोक ऐसा निकालती हूँ उस पर, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो नहीं स्ट्रोक नहीं का तो हम ऐसे कितना भी फर्क समझ पड़ता ले, उस पे मत करना। है। इस स्टोन में और इस स्टोन में भी फर्क चाहिए, क्योंकि ये ऊपर है तो इस पे थोड़ा सा लाइट है, और ये नीचे और कर्वी सरफेस है तो इधर बहुत कम लाइट आएगा। तो उतना भी ध्यान रखना है कि इधर वाला जो डार्क पार्ट है वो इससे कम डार्क चाहिए। अभी आपको ऑल राउंडिटी दिखेगा। ये जो सेकेंड हाईलाइट है वो उसकी इंटेंसिटी इससे कम होगी। अच्छा ये शेडो अगर कम और ज्यादा हो जाता हो तो उसमें कुछ अंडू का ऑप्शन है, मतलब क्या मान लो हम वेट कर रहे हैं और मतलब जो डार्क टोन है वो थोड़ा ज्यादा हो जाए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ठीक है, तो फिर उसको लाइक रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरेजर एंड एनीथिंग। हाँ कर सकते हैं, इससे ही निकालना है, पर अगर आप मतलब इस इरेजर से निकालोगे ना तो पैच आ जाएगा, इससे ही हाँ ऊपर पैच ऊपर निकाल लेना है, मतलब मतलब टच करना है बेसिकली, टच करते करते। अच्छा इसको इनुकिला करना है और ये निकाल लेना है, ऐसा तो अच्छा 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 है। सर आप देखिए जरा किधर कुछ करना है क्या, मुझे कैमरा की वजह से कुछ समझ नहीं आ नहीं रहा। मुझे तो ठीक लग रहा है, मतलब ये 3D से भी निकल के बाहर आ ही गया, राइट एंड एक बार जो ओरिजिनल इमेज है वो दिखाना मुझे। ये डार्क दिखेगा ज्यादा। हाँ ये डार्क तो उसके बारे में था बट आई थिंक इट्स अ फेयर एंड फाइन, राइट। किसी को कुछ तो इस पूछना या काफी है फिर ना, पेंसिल उतना शार्प कैसे करना कटर से। हमारे क्लास में जब फाउंडेशन में थे ना हम, तब हमारे शार्पनर्स फेंक दिए थे हमारे सर ने, अलाउड ही नहीं करते क्लासरूम में शार्पनर। शार्पनर का जो हम शार्प करते हैं ना तो उसका बहुत कम देर रहता है वो उसका पॉइंट, और टूट भी शार्प जाता है। हाँ इसका टूटेगा नहीं, ये आपको भाले के जैसा बनाना है पेंसिल को। ये भी एक आर्ट है जो मतलब डे वन तुमको नहीं समझ में आएगा, मतलब अगर तुमको ये सीखना है ना तो नॉर्मल पेंसिल पे ये ट्राई करना, ठीक है, नॉर्मल पेंसिल जो आता है ना सस्ती वाली उस पे ट्राई करना, मतलब मुझे जो लगता है कि मैंने भी ये सीखा है और इसको सीखने में ना स्टेडलर पे मत आजमा देना, या फिर ये आर्ट लाइनर वाला भी सस्ता नहीं होता, तो तुम अगर करना हो ये वाला प्रैक्टिस कि नोकीला कैसे बनाते हैं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है जो नोक की वो कैसे रखते हैं, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस करना है कोई भी नटराज वाली पेंसिल पे, ठीक है, सस्ती वाली, और एक बार जब उस सर पे तो हाथ क्या बैठ चीज जाए से शार्प करें, पेपर कटर के प्लेट से। ऐसे कटर से आप शार्प करें उसको। ये बड़ी वाली है, छोटे वाले भी आते हैं, मतलब आते हैं ना वो 10 रुपए वाला, ये शायद 20 रुपए वाला हाँ है ना, तो उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। हम लोग तो बचपन में ब्लेड से किया करते थे जो नॉर्मली नहीं करना चाहिए वो यूज, सर ब्लेड तो पतला होता है ना।
बहुत से ज्यादा होता नहीं. पतला होता है, हाथ भी कट जाता है वो फिसल के। तो यस सर. अभी तो आपके पास ये सारी और चीजें फिर इजीली अवेलेबल है। अभी एंड में जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं हमारे ड्राइंग के बाजू में, बाहर हम वो ओके, जो भी टमाटर के बाहर लाइन जा रहा है, मतलब जो आपको लग रहा है, उसको अभी हम 7 इंच मतलब क्लीन करेंगे। सर. वो कौन सा इरेजर है? क्ले कौन सा रेजर है? डेंसो इरेजर है. क्ले इरेजर. ये क्ले की जैसा रहता है, ऐसा डब्बा है स्टेशनरी और ऐसे में निकाल. मिलेगा क्या हाँ स्टेशनरी में? हाँ मिल जाएगा. जहाँ हमारा आर्ट मटेरियल मिलता है उधर मिल जाएगा. अब थोड़ा बढ़िया दुकान में मिलेगा, नॉर्मल जो होता है ना उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन जो थोड़ा स्पेसिफिक ड्राइंग पेंटिंग का सामान बेचते हैं उनके यहाँ तो पक्का मिलेगा। ऑनलाइन भी मिलेगा. ऑनलाइन स्टेडलर भी का मिल ले जाए। लो, वो अच्छा है. इससे ना पूरा का पूरा व्हाइट निकल आता है. हमें अगर थोड़ा सा रखना है ना तो रहता नहीं है, पूरा का पूरा निकल आता है ऐसे. तो स्टेडलर का जो है उससे कम कम निकलेगा. तो वैसे भी मैंने बोला ही है स्टेशनरी में इन्वेस्ट करना बहुत ही फायदे का सौदा है। और तो ये रहता है बहुत दिन रहता है. मतलब अभी इसका इरेजर के जैसा तो कुछ है नहीं सीन की यहाँ पे रह जाएगा वगैरह, कुछ वैसा सीन नहीं है. जब तक ये पूरा काला नहीं होता तब तक आप इसको यूज कर सकते. मैंने ब्रूस्टो वाला देखा है, वो तो ब्राउन लाइक ग्रे कलर का ही होता है ग्रे उसमें। कलर का है वो भी. अच्छा है. कुछ 60-90 रुपीज में आता है वो. ये हाँ वही सस्ता वाला है. नाइनटी रुपीज के आसपास ही है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ये तो 40 रुपए का ही है. पहले सस्ता था, 40 रुपए का अच्छा वाला आता था. अभी 90 रुपीज का हो गया. ओके सो बेसिकली आज के क्लास में हमने क्या सीखा, बाकी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, दैनेश्वरी से नहीं, उसने तो सिखाया है, तो सीखा कि इसने क्या सीखा ये मुझे कोई कोई पॉइंट आउट करो, क्या सीखा तुमने आज के क्लास में? सर हम जब भी शेडिंग करते थे ना तो मतलब दोनों साइड से स्टार्ट कर देते थे. तो ये बताइए कि एक साइड से करना है तो ज्यादा सही रहता है, दिखा भी अच्छा. और क्या आपको चीज सीखा? डायलॉग जाना है उधर, बचपन सबसे डांट पार के आपको फिर से जाना है उधर. जब भी नया टोन ले रहे फिर से उधर टचअप करो, क्योंकि वो सबसे डार्केस्ट पार्ट है आपके ऑब्जेक्ट का. एंड मुझे जो सीखने को मिला वो बता, मेरा पॉइंट इसमें ना, मतलब ड्राइंग एक ऐसा चीज है जो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पेशेंस। पेशेंस प्रूव में चीजें आपसे नहीं होगी, और ये आपका माइंड हमेशा आपको बोलेगा कि ये तुमसे नहीं होगा या फिर दिस इज नॉट फॉर यू, बट आप करते रहोगे। जैसे नहीं दैनेश्वरी बोला कि आपको छोड़ना नहीं है, वो चीज करते रहना है। कितने दिन में आएगा, अगेन दिन में काउंट नहीं करूंगा मैं, आपको बताता हूँ। अगर रोज 2 घंटे बैठ जाओ और तुमने जिद बना ली है कि मैं सीख के ही रहूंगा, मतलब ये होगा कैसे नहीं, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको मोर देन मतलब नॉट मोर देन 1 वीक, मतलब 1 वीक में ये आपके हैबिट में आ जाएगा, जो इसने पेंसिल पकड़ने का स्टाइल बताया, ठीक है? आपने देखा होगा CID या फिर इस तरीके के होते हैं ना, जो आर्टिस्ट होते हैं जो बताने पे स्केच करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दैनेश्वरी? स्केच, स्केच आर्टिस्ट ही बोलते, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट या हाँ स्केच स्केच आर्टिस्ट. आर्टिस्ट, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बोलते हैं, वो इस तरीके से पेंसिल पकड़ते हैं, तो हमें लगता था पहले स्टाइल मारने के लिए पेंसिल पकड़ते हैं, लेकिन मुझे वो भी वैसे ही बेसिकली लगता था अगर सर. तो लेकिन बेसिकली वो मुझे राउंड भी वैसे करने ही के लगता था, लिए, पर हाँ बेसिकली वो ये फिगर आउट करने के लिए, हल्का हल्का एकेडमिक लाइन खींचने के लिए ही वो पकड़ते हैं, कि जैसे सामने वाला बहुत तरीके से बताता है तो वो थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने के लिए तो दूर पेंसिल पकड़ता है और स्टाइल नहीं मारता बेसिकली, तो हाँ लेकिन ये सर, आप बेस्ट हो गया व्हाइट देने पॉइंट से। करने का है ना. ओके पूजा कुछ क्वेश्चन किए, किसी का क्वेश्चन था कुछ? यस सर, मतलब लाइट वर्क ही करना है ना, जो पेंसिल को पकड़ना है तो प्रेशर नहीं देना है लाइटली. हाँ
इतना दूर रहना है आपको, आपके ऑब्जेक्ट से इतना दूर रहना है। और पहले पहले जो हम पूरा भर के ले रहे हैं ना, तो इधर से मूवमेंट चाहिए, इधर से भी नहीं, इधर से चाहिए। जब जब हम डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा और डिटेल करेंगे तो आप इधर हमेशा से, और स्क्रीन पे ही डिटेल रख के करेंगे तो हम बनाते हो? इधर ही। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, पर ये कंफर्टेबल है थोड़ा सा। मुझे 4 साल लगने ही वाला था तो मैंने ले लिया। अब जमीन पे भी रख कर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे पकड़, एक हाथ से ऐसे पकड़ ना हो और एक हाथ से ड्रॉ कर, पर ओके दूर पकड़ना, क्योंकि हम इतना पास जाते हैं ना तो किसी एक ही जगह पर हमारा ध्यान रहता है और उस पे हम काम करते हैं। आप दूर जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा किधर किधर मतलब जगह है स्ट्रोक के लिए, किधर किधर रह गया है, किधर किधर अभी मैं और एक दो लाइन मारूंगी तो कवर हो जाएगा उतना, तो उतना आपको दूर से समझता है। जो आपकी आदत रहती है ना इधर 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 ऐसे ऐसे पूरा घुसते हैं बुक में, तो वैसे नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। आप हाथ पेपर से ऊपर रखती हैं, मतलब उसको हाथ मतलब को पेपर पे स्टेबिलिटी नहीं देती हैं, पूरा हाथ नहीं रखती हैं, पेंसिल जो पेपर पाम के होता है ऊपर ना, रखती। हाँ नहीं डिटेल के लिए मैं ये वाला उंगली रखती हूँ नीचे और फिर स्ट्रोक देती हूँ, और रहेगा तो थोड़ा सा पेपर पर अगर हम ऐसे रखते हैं ना तो बंदा मर्जी हो जाता है सब, या हमारा हाथ ऑब्जेक्ट पे जाता है, उसका ग्रेफाइट लगता है, वो नीचे लगता है, पूरा पेपर खराब हो जाता है, तो हाथ तो स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे आएगा मतलब चलाने में? आपका तो प्रैक्टिस नहीं। पेपर ले लो आप कोई सा भी, अभी जो किलो में आता है स्केचिंग पेपर नहीं, तो वो हम ले। पूछ रहे हैं हाथ शिवर करेगा ना, प्रैक्टिस नहीं है तो हाथ शिवर करता है, तो लाइन स्ट्रेट नहीं, स्ट्रोक स्ट्रेट नहीं जा रहा है। आप पूरा एक दिन आप लगा दो कि पूरा पेपर ही भरना है मुझे, न्यूज़पेपर ले लो, पेंसिल ले लो कोई सा भी, और उसपे स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस कर दो, पूरा पेपर भर दो आप एक न्यूज़पेपर एक दिन का, तो आपको आ जाएगा, इतना भी कुछ मतलब बिना मुश्किल नहीं है। बिना बिना हैंड लगता रेस्ट किए हुए तुम्हें पेपर पे हाथ नहीं रखना है, बिना हैंड रेस्ट किए हुए तुम करने का कोशिश करो। मतलब आदत होती है, वो जो आदत आपको आज है उसका नहीं भी रखना है। आपके पास प्रैक्टिस है, इसलिए वो आदत है आपके पास। अगर ये आदत लगानी है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट है, ये लॉजिक है कि अगर हम हाथ रखते हैं ग्रेफाइट आ जाता है हमारे हाथ में और वो पूरा पेपर को गंदा करता है, फिर कभी आपने आर्टिस्ट लोगों को भी देखा है कि वो जहाँ पे हाथ रखते हैं वहां पे पेपर भी रखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है एंड तो फिर आप मतलब कहते हैं अल्टीमेटली आप एक ऑप्शन रख सकते हो कि जहाँ पे भी हाथ रख रहे हो ना उसके नीचे एक पेपर रखो पहले, राइट ज्ञानेश्वरी? मतलब इसका हाँ हाथ का मतलब वो ग्रेफाइट इसके हाथ में ना लगे, क्योंकि हाथ में ना आपका मॉइस्चर भी होता है और ऑयल भी होता है, मतलब बॉडी का अपना एक ऑयल होता है, वो हाँ भी वो आपके धब्बा पेपर को गंदा निकलता करता है। नहीं है, हाँ वो धब्बा निकलेगा नहीं इरेजर से, क्योंकि ऑयल को रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो ये एक कारण होता है, और अगर आप प्रैक्टिस ऐसे करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। आप लिख लो 5 पार्ट आपको करने करने इस ऑब्जेक्ट में, हाईलाइट, लाइट, शैडो वाला पार्ट, कोर शैडो और रिफ्लेक्टेड लाइट, इतना आपको करना ही करना है। आप लिख के ले लो, मिडल टोन, हाईलाइट के बाद मिडिल टोन, मिडल टोन मतलब ये वाला हाईलाइट है, ये वाला मिडल टोन है, मिडिल टोन देन ये शैडो, दूसरा जो शैडो है वो कोर शैडो मतलब ये वाला, देन क्या लिखा आपने, कोर शैडो लिखा क्या, यस और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो जमीन का रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट पर गिरता है।
और अगर आपके फोटोग्राफ में फोटो रहेगा कोई भी, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। अभी ये एप्पल है, अभी इसमें बहुत डार्क दिख रहा। ये जो पार्ट है ना, कभी कभी इसके इक्वल दिखता है, ये मिडल टोन के इक्वल दिखता है, तो हमें हम खुद से ही इसको ज्यादा डार्क करना है, क्योंकि ये अंधेरे में है ना, तो वो इसके जितना नहीं हो सकता, और इसके जितना किया ना तो राउंड डीटी नहीं दिखता है, मतलब वो गोल ऑब्जेक्ट है, हमें ठीक से समझ नहीं आएगा, उतना ध्यान में रखना है। हाईलाइट सब एक जैसे नहीं, एक ही हाईलाइट लो, दूसरा लिया तो बहुत उससे 10-20% से लो, थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी कम कर लो, अगर पूरा व्हाइट रहेगा तो आप थोड़ा सा कम कर दो उसको, खुद से फोटोग्राफ में वो कैप्चर नहीं होगा, पर ये स्केच है तो आप ये सब यूज करोगे मेथड तो वो स्केच दिखेगा। अभी हम कैमरा तो है नहीं, कैमरे के का हमारा ड्राइंग का कंपटीशन कैमरे के साथ करने, खुद से सेंस से कुछ चेंजेस करने पड़ते, तो आप वो कर प्रैक्टिस करके आपको समझ जाएगा क्या क्या करना है, किधर किधर करना है। ओके वैसे मैं आपको ये रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, ये रिकॉर्डिंग पूरी आपको मिल जाएगी, यू कैन गो एंड चेक द वीडियो एंड प्रैक्टिस आप करो देख देख के। एंड इसके बाद भी ऐसा नहीं है, एक और क्लास रखेंगे जो इस पे एडवांस लेवल पे होगा, ठीक है, लेकिन पहले आप ये लेवल अचीव कर दो। मतलब मैं आपको 1 हफ्ते से 10 दिन तक का टाइम देता हूँ, मे बी आफ्टर 10 और 12 डे वी विल कंडक्ट वन मोर क्लासेज ऑन शेडिंग, बट इससे नेक्स्ट लेवल पे वो करने की कोशिश करेंगे। बट पहले हमने किया था वो मैंने अलग मेथड से किया था, हाँ, और ये तो वो मतलब इसके बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ना कि इनका हाथ बैठाने का प्रैक्टिस जो मतलब है वो पहले इनका होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे मतलब नेक्स्ट लेवल का चीज। हाँ ठीक है, तो ये चीजें पहले करो। मतलब देखो सिंपल सी बात है, हम तो यही मानते हैं कि आपको करने से सिर्फ एक ही चीज रोकता है और आपको करने के लिए एक ही चीज मोटिवेट करता है, वो है आपका माइंड। ठीक है, अगर आपने माइंडसेट बना लिया करना है तो करना है, नहीं करना है तो आपके पास 100 बहाने आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर करना है तो आपको सिर्फ एक ही बहाना चाहिए कि आपको करना है, ठीक है, एक ही चीज चाहिए। ओके, तो आज का टाइम का पाबंदी होने के कारण या फिर एक रिस्ट्रिक्शन है मेरे पास भी, तो अभी हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको अवेलेबल करवा देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर लेना देख देख के, और फिर कल दिन भर आप प्रैक्टिस करो, परसों दिन भर प्रैक्टिस करो, फिर शाम में मिलते हैं परसों कैट क्लास में, फिर समझते हैं कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, आपको क्या फायदे मिले या नहीं मिले, राइट सर। प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल पेंसिल ले सकते हैं या आर्ट लाइन पेंसिल ही लगेगा? देखो नॉर्मल पेंसिल भी ले सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि ना कभी कभी तुम्हारे टूल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, राइट, जैसे मैं क्या बोलूं थोड़े से ना, मतलब अगर देखो अभी प्रैक्टिस करने के लिए तुम एकदम से कुछ मत खरीद लो, ठीक है, अभी जो है उसके साथ करो, तुमको बहुत कुछ समझ में उससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि इट द मीन वाइल कि तुम ये भी सोचो कि अगर वो पेंसिल मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, जो क्वालिटी हम स्टेडलर से कर सकते हैं वो आर्ट लाइनर से नहीं कर सकते, जो आर्ट लाइनर से कर सकते हैं वो अप्सरा से नहीं कर सकते, और जो अप्सरा कर सकते हैं वो नटराज से नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो है मैटर करता है। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं मैटर करता है, एकदम मैटर करता है, पेंसिल की क्वालिटी मैटर करती है। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर एंजॉय योर दुर्गा पूजा, आज से मेला भी लग गया है, जाओ घूमो फिरो चिल मारो, और फिर मिलते हैं मंडे के क्लास। ओके बाय बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर, थैंक यू धनुष सर। ओके।